आज का हमारा टास्क है, सबसे पहले टास्क फोल्डर खोल देते हैं। इसके अंदर पहले से कुछ फाइल्स क्रिएट की हुई है, तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे लोडिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है इसके अंदर। यहाँ पे क्रिएट ये करना है कि बुक क्रिएटर एक क्रिएट करना है। जैसे कि पहले एक असाइनमेंट था, मतलब कुछ करके बताया हुआ था कि यूजर्स क्रिएट करना था, यूजर्स क्रिएट करना था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप बुक का डेटा क्रिएट करेंगे, मतलब सैंपल से ले लेंगे कि यहाँ पे पहले यहाँ पे बुक मॉडल में आ जाता है। डेटा के अंदर क्या क्या चीजें आनी चाहिए, बुक नेम आना चाहिए, ऑथर आना चाहिए, उसी कैटेगरी में आना चाहिए, जैसे कि किस टाइप की वो बुक का पार्ट है, जैसे किस टाइप का कैटेगरी है उसका, उसका ईयर आना चाहिए, टाइम टाइम मतलब कि कहाँ पे वो क्रिएटेड हो रही है या कुछ भी हो रहा है, मॉडिफाइड उसका टाइमिंग वगैरह आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या करते हैं, जैसे कि ये वाला रूट वाइल तो क्या होती है अपनी, यहाँ पे सारा पाथ आता है, ये सारे पाथ से मतलब एड्रेस ही एड्रेस है इसके अंदर, ओनली यहाँ पे सारे एड्रेस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो ओनली एड्रेस स्टोर करने के लिए रूट होता है इसके लिए, और यहाँ पे अपन बुक मॉडल पे जाते हैं। बुक मॉडल क्या फाइल करती है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है स्कीमा, बुक स्कीमा, ठीक है। तो अब स्कीमा एक अभी तो वेरिएबल है, अब इसके अंदर क्या कर रहा है, ये मोंगूज है, मोंगूज भी एक वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये वाला मॉड्यूल है, जैसे npm i mongoose करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, एक ये मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला ये वो मॉड्यूल है, तो हम क्या उस मॉड्यूल को रिक्वायर कर रहे हैं यहाँ से और इसके अंदर स्टोर कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट किया है बुक स्कीमा, मतलब स्कीमा मतलब क्या होता है कि जैसे अपन फाइल मतलब डेटा क्रिएशन के पहले क्या करेंगे, कुछ रूल्स बना देंगे अपन कि डेटा कैसे क्रिएट हो रहा है और किस टाइप का क्रिएट हो रहा है, क्या क्या रूल होना चाहिए, मतलब रिक्वायर्ड होना चाहिए, नहीं रिक्वायर्ड होना चाहिए। यूनिक का मतलब ये हो गया कि जैसे उसके अंदर डबल वैल्यूज नहीं आनी चाहिए, मतलब जैसे कि सेम नाम होता है दोबारा नहीं आना चाहिए उसके लिए। स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का टाइप अल्फाबेटिक हो गया, ठीक है। और ईयर है हो गया तो उसका नंबर में हो गया, अगर नंबर में नहीं देता तो ईयर बता देगा। और रिक्वायर्ड का मतलब ये हो गया कि जैसे इसके बिना चलेगा ही नहीं वो प्रोग्राम, ये वाला नाम डालना जरूरी होता है, ठीक है। तो अब ये रूल्स बना दिए अपन ने, इसी चीज को क्या कहते हैं, स्कीमा, ठीक है। अब स्कीमा अब देखना, यहाँ पे मोंगूज आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा रहा है, इस पे एरो करते तो मॉड्यूल है मोंगूज, ठीक है। इसके अंदर इंपोर्ट करके आ रहा मोंगूज, मतलब मॉड्यूल है उसके अंदर से ये फाइल इंपोर्ट की गई है, ठीक है। मॉड्यूल मोंगूज वेरिएबल इंपोर्ट किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऑथर का नाम आ गया, स्ट्रिंग है, यूनिक है, ट्रू है, रिक्वायर्ड आ गया, ट्रू है, ठीक है। अब एनम का मतलब क्या हुआ, जैसे ऑप्शंस देते ना उसके अंदर कैटेगरी के अंदर, उसके अंदर ये इंग्लिश आ गया, रोमांस आ गया, हिस्ट्री आ गया। अब इसके अंदर एक रिक्वायर्ड चीज होती है कि जैसे यहाँ पे जो लगाते हैं ना ये कोष्ठक ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स इसलिए लगाते हैं जैसे मल्टीपल चीजें असाइन करनी होती है ना इसमें, तो डायरेक्टली ये रिक्वायर निकलता है, तो उस अकॉर्डिंग ये लगाना पड़ता है इसके अंदर। आप टाइम स्टैम्प्स इसलिए लगाते हैं जैसे डेटा क्रिएशन का पूरा वो आता है, जैसे डेटा क्रिएट हुआ है, इस टाइम हुआ है और किस टाइम मॉडिफाइड हुआ, दो चीजें लिखी आती है, क्रिएटेड और मॉडिफाइड करके कुछ आता है, अभी शो कर दूंगा मैं। और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, ठीक है। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट मतलब कि ये सारा का सारा जो अपन ने बुक स्कीमा बनाया है, ठीक है, अब किसी और फाइल में अपन को असाइन कर पाना है,
तो उसके लिए मोंगू मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट लगाते हैं, ठीक है। हम मोंगू से एक ये वो जो वेरिएबल असाइन किया था वो वाला, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि है मोंगूज, हमको एक मॉडल बनाना है और या एक स्ट्रक्चर बनाना है जो कि ये वाले जो बुक इसके वहाँ के अंदर जितने भी रूल्स लिखे हुए हैं वो इसका पालन करते हुए अपना ये बुक एक फोल्डर बन जाए, उसके अंदर सारा का सारा डेटा चला जाना चाहिए, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, ये यहाँ पे जाते हैं अब कंट्रोलर के अंदर। ये वाला बुक मॉडल क्या करेगा, मॉडल एक स्ट्रक्चर बनाता है, ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बनाएगा कि किस टाइप का डेटा है। अब यहाँ पे जाएंगे, ये बताएगा कि कंट्रोल कैसे करना है उसको, मतलब वर्क क्या क्या कराना है उसके अंदर, ठीक है। अब वर्क क्या क्या कराना है, तो अब इसके अंदर जैसे यहाँ पे आ गए, पहले तो इसमें क्या वो वाली जो बुक मॉडल है ना, अब बुक मॉडल को यहाँ पे पहले असाइन करवाया, यहाँ पे ये बताया कि ये वाला बुक मॉडल ये वाला ही रूल्स करता है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर यहाँ पर का पूरा इधर आ गया। तो अब यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं क्रिएट बुक नाम का, ठीक है। ये वाला फंक्शन तो अभी बताया नहीं गया, तो ठीक है इसको छोड़ते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, ये वाला जो आर ई क्यू डॉट बॉडी है ना, अब आर ई क्यू डॉट बॉडी क्या करेगा, बॉडी के अंदर जितना भी डेटा है ना वो डेटा इसके अंदर आ जाएगा। मतलब जैसे पोस्टमैन पे जाते हैं, पोस्टमैन पे कुछ भी वो डेटा डालेंगे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, ठीक है, वो सारा डेटा इसमें स्टोर करके आ जाएगा। और यहाँ पे जो डेटा आएगा ये यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब सेव डेटा के अंदर जाएगा, लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि बुक मॉडल है, तो अब बुक मॉडल के अंदर अपन को क्या करना है, उसके रूल्स बताया हुआ है मुताबिक अपन को एक क्रिएट करना है। तो क्रिएट एक कमांड है ये वाला, ये एक सिंटेक्स टाइप है, तो बुक मॉडल डॉट लगाते हैं तो एक क्रिएट हो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ फाइंड करेंगे पूरा डेटा गेट करना अपन को बुक्स का, उसके अकॉर्डिंग जैसे अब यहाँ पे एक लाइन है तो ये मैसेज प्रिंट करेगा, अगर पूरा डेटा चले गया ना तो उसके अंदर एक मैसेज प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे सेकंड लाइन की क्या काम कर रही है, गेट बुक्स डेटा, ठीक है। गेट बुक्स डेटा के अंदर अगर अपन इसको चलाएंगे तो फिर क्या करेगा, सारा का सारा डेटा लेके आ जाएगा अपने पास लिस्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बुक मॉडल है ऑल बुक्स के अंदर ये फाइंड करके डाल देगा, मतलब यहाँ पे जो या ये वाला मॉडल तो क्या करता है, ये क्रिएट करता है डेटा को, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाएगा, डेटा क्रिएट करेगा, ठीक है। तो एक बार इसको चला के बताता हूँ तो बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, चलाने के लिए पहले एक बार गिटअप खोल देते हैं, रिफ्रेश खोला, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एसआरसी के अंदर जाते हैं, लेकिन इससे पहले भी कुछ चीजें रिक्वायर होती है इसके अंदर कनेक्ट करने के लिए। जैसे यहाँ पे इंडेक्स पे जाएंगे, इंडेक्स पे जाने के बाद बाय डिफॉल्ट अपन को जैसे फाइल्स मिली हुई है, तो अगर उसमें चेंजेस करना है तो अगर यहाँ पे इंडेक्स में जाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये मोंगूज डॉट कनेक्ट लिखा है यहाँ पे 11th लाइन मोंगूज डॉट कनेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा लिंक है, ये पूरा का पूरा ये ले, ये वाला मैंने मेरा डाला है, ठीक है। जैसे अगर डेटा लिंक कहाँ से मिलता है ये, तो अपन जैसे यहाँ पे जाते हैं क्रोम पे जाते हैं, यहाँ पे क्लाउड डॉट मोंगोडीबी की साइट ओपन करते हैं, ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं और लॉग इन कर लेते हैं यहाँ से।
जैसे साइट ओपन होती है जब तक हम डेटा देख लेते हैं पर कैसे क्या वर्क कर रहा, तो पोस्टमैन ओपन भी कर लेते हैं को। यहाँ पे क्या करेंगे, अब जैसे ये साइट ओपन हो जाती है, ओपन होने के बाद यहाँ पे जैसे अपना अकाउंट ओपन हो गया, अपन ने क्रिएट कर दिया, तो आप क्रिएट करने के बाद क्या जाना है, यहाँ पे डेटाबेस के अंदर जाएंगे, इस जगह डेटाबेस की लाइन में जाने के बाद यहाँ पे जाएंगे कनेक्ट पे, और यहाँ पे जैसे सबसे पहले तो क्या करना होगा कि अगर अपना जो कनेक्शन बनाना होगा, ठीक है, कनेक्शन बनाने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे उबंटू सेलेक्ट करके, मतलब अपना जो विंडोज है वो वाला सेलेक्ट करके यहाँ से डाउनलोड करना है, जैसे डाउनलोड है अपने पास, ठीक है, तो डाउनलोड है तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर देंगे इसको। कॉपी करने के बाद क्या करेंगे, अपना वो मोंगोडीबी ओपन कर देंगे, यहाँ से मोंगोडीबी ओपन कर देते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, दो दो कनेक्शन क्रिएट करने होंगे, मतलब दो काम करने होंगे इसके अंदर। सबसे पहले एक तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा अपने और एप्लीकेशन के इसमें, ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने क्या किया था, थर्ड वाली लाइन में गए थे, कंपास है ना, कंपास को कनेक्ट करना पड़ेगा, तो कंपास को कनेक्ट करने के लिए इसको कमांड को कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे मोंगोडीबी ओपन करने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, इस यूआरएल को पेस्ट कर देंगे। 1 सेकंड, ये वाला पेस्ट दूसरा हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये पासवर्ड डाल देंगे, पासवर्ड जो अपन ने सेट किया हुआ उधर, इसको हटा करके पासवर्ड डाल देंगे। अब जैसे तो मेरा क्या पहले कनेक्ट है, तो मैं यहाँ से इसको डबल क्लिक करके डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता हूँ, तो पासवर्ड अभी यहाँ पे शो नहीं करेगा, यहाँ पे हिडन आएगा, तो पासवर्ड अपने डालते ही कनेक्ट करना है तो कनेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट, और यहाँ पे सारे का सारा फाइल्स बता देगा, ठीक है, और ये कुछ फोल्डर्स है जिसके अंदर डेटा आएगा अपना, जैसे टेस्ट हो गया, अब इसके अंदर अलग अलग कलेक्शन बन जाएंगे, बुक्स बन जाएगा, यूजर्स बन जाएगा, ठीक है। तो अभी तो जैसे मैंने एक बार रन करा दिया इनको, तो ये वाला डेटा अवेलेबल है इसके अंदर, तो इसको एक बार हटा देता हूँ, डेटा को ड्रॉप कलेक्शन कर देता हूँ बुक्स करके, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉप कर दिया मैंने वो उस कलेक्शन को, अब यहाँ पे एक कनेक्शन तो बन गया अपना वो वाला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वीएस कोड को इससे कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कनेक्ट योर एप्लीकेशन, यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, इस वाले को वीएस कोड में कनेक्ट करने के लिए इसको कॉपी करेंगे, और यहाँ पे वीएस कोड में जाएंगे, वीएस कोड में जाने के बाद क्या करेंगे, ये मोंगो डॉट कनेक्ट लिखा है ना, तो आप इसको पूरा का पूरा यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देंगे जो भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पासवर्ड डाल दिया अपन ने, पूरी प्रोसेस हो गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना होगा, अपन को एक वो मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा, npm i mongoose, ठीक है, इसको इंस्टॉल मार देंगे तो ये पूरा का पूरा वर्क करने लग जाएगा अपने आप, ठीक है। मैंने इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं अभी नहीं करूंगा इसको, 1 सेकंड। ठीक है, तो अब इस फाइल को रन कराता हूँ मैं, अब रन कराने का मेथड वही है, अब जैसे मैं तो नोडीमोन प्रिफर करता हूँ क्योंकि बार बार अगर चेंजेस होते तो उसके लिए नोडीमोन ठीक रहता है, तो एक बार इसको SRC भी ओपन कर लेते हैं, SRC ओपन ही है, ठीक है, ठीक है, npx nodemon then index.js,
के बाद ये रन कर लेगा यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे कहाँ जाना है अपन को? अगर अपन को पाथ देखना है तो यहाँ पे जाएंगे रूट पे। ठीक है, बता दिया कि स्पॉट पर जाइए तो 3000 है। ठीक है, मोंगोडीबी भी कनेक्ट हो गया। ये मैंने क्या बाय डिफॉल्ट डाला हुआ है मेरे अकॉर्डिंग, तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे कंसोल करवा दिया अपने अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे इस बात पे जाते हैं, अगर डेटा अपन को बुक का क्रिएट करना है। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे जाते हैं पोस्टमैन पे। मैंने एक क्रिएट बुक करके वैसे भी बना रखा है, तो उधर ही जाता हूँ रहेगा। अब यहाँ पे क्रिएट बुक्स के यहाँ पे डेटा अपन लगा देते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, क्रिएट बुक आ गया। ठीक है, अब बुक क्रिएट करने के लिए अपन को डेटा क्या क्या दिया हुआ था, अब मैंने कुछ अपने अकॉर्डिंग डाला तो इसको हटा देता हूँ। जैसे या इसी को रहने देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। जैसे बुक का नाम हो गया अपना रामायण, ऑथर हो गए। जैसे अभी हमको आइडिया नहीं है तो अननोन डाल देते हैं, और यहाँ पे ईयर डाल दिया, कैटेगरी डाल दी। ठीक है, और यहाँ पे कैटेगरी ये अपन ने डाली है इंग्लिश के अंदर तो इसको सेंड कर देते हैं। अभी इसमें एरर बता रहा, तो अपन को एक बार चेक करना पड़ेगा कि सिंटेक्स एक्चुअल में क्या था। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इंग्लिश का ई छोटा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ई छोटा लिख देते हैं यहाँ पे। फिर भी एरर आ रही है इसके अंदर, तो ऐसा करते हैं वापस चेक करते हैं इसका क्या था इसके अंदर कोड। जैसे कैटेगरी डाला है, बुक ऑथर डाला है, और एक नेम डाला है इसके अंदर। बुक नेम के अंदर अपन स्ट्रिंग डाला है। ठीक है, बुक ऑथर के अंदर डाला है और कैटेगरी डाला है। तो ठीक है, एक बार रन कराता हूँ वापस। वन सेकेंड, तो अब इसके अंदर देखते हैं एरर कहाँ आ रही है, तो यहाँ पे एक बार इसको चेंज करके देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जैसे यहाँ पे जो पोस्ट है ना, तो वहां पे भी पोस्ट ही है, तो ये एरर आ रही थी। जैसे अगर ओनली डेटा शो करना है तो गेट पे वर्क आ जाता है, जैसे उसमें कुछ मैनिपुलेशन वगैरह करना तो पोस्ट भी यूज आ जाएगा अपना, मतलब जैसे कोई भी वर्क करना है उस पर तो पोस्ट यूज आएगा। और ओनली एक ही डेटा शो करना है, जैसे ब्राउजर पे कुछ भी शो करना है, तो उसमें गेट यूज आएगा। तो अब इसके अंदर जैसे वापस जाता है पोस्टमैन पे, तो अब यहाँ पे क्या क्या वर्क हुआ है। अब जैसे बुक नेम आ गया, रामायण आ गया। ठीक है, बुक ऑथर का नाम आ गया, ये वाला आ गया। अब ईयर भी बता दिया अपन को, ये इस फील्ड का है। ठीक है, अब आईडी बता दिए, और यहाँ पे जो ये टाइम स्टैम्प डाला था, ये टाइम स्टैम्प यहाँ पे आया है। क्रिएटेड एट आ गया इतनी बजे, और ये वाला आया है इतनी टाइम पे। ठीक है, तो ये चीज हो रही है इसके अंदर। तो अब अपन क्या करते हैं इसके अंदर, यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं डेटा कहाँ कहाँ अवेलेबल हो रहा है।
जैसे दो तीन डेटा चेंज कर करके बता देता हूँ। जैसे एक और चीज है इसके अंदर रिक्वायर्ड फील्ड है, तो कुछ कुछ रिक्वायर्ड फील्ड है तो उसको भी चेक कर लेते हैं कि एक्चुअल में रिक्वायर्ड वर्क करता है नहीं करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, एक रिक्वायर्ड डाला है और दूसरा रिक्वायर्ड डाला है, ठीक है, बाकी इतना मैंडेटरी नहीं है तो उसको हटा देते हैं। ठीक है, तो अब जैसे इसके अंदर ये दोनों इतना रिक्वायर्ड नहीं है, इसके अंदर ये वर्क नहीं करता है, ठीक है, यहाँ डाल देते हैं महाभारत। हाँ, भारत अभी यहाँ पे डाल देते हैं, इसको बंद कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे इरर इत्यादि कॉमा लास्ट में लगता नहीं है तो ठीक है, इसको सेंड करते हैं। ये डेटा क्रिएट हो गया यहाँ पे दोनों के बता। ठीक है, अब तीसरा अपनाते हैं अपन, जैसे कि इसका रिक्वायर्ड है तो इसको हटा कर देख लेते हैं क्या इफेक्ट होता है, और यहाँ पे डेटा भी चेंज करके देख लेते हैं, महा कर दिया अपन ने और इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो अब इरर आती नहीं आती है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, बिकॉज यहाँ पे क्या फील्ड रिक्वायर्ड है वो वाला सेकंड वाला, अगर वहां से अपन रिक्वायर्ड हटा देते हैं कोड के अंदर गए, बुक मॉडल के अंदर गए, और यहाँ पे जैसे यहाँ सेकंड वाले में लिखा रिक्वायर्ड, अब इसको रिक्वायर्ड ही हटा देते हैं यहाँ से, तो है इसको हटा दिया, यहाँ पे नॉट इवन स्टार्ट होगा। इट्स कनेक्टेड नाउ, ओके, तो अब यहाँ पे इसको वापस सेंड कर देते हैं। ये डेटा चला गया क्योंकि अब वो वाली फील्ड क्या रिक्वायर्ड नहीं थी। ठीक है, अब फर्स्ट वाले में रिक्वायर्ड डाला तो ओनली फर्स्ट वाली की वैलिडिटी अवेलेबल है, अब सेकंड वाला, अब ये वाली चीज वर्क कैसे कर रही है बता देता हूँ एक बार। तो अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब जैसे फाइल पे आते हैं अपन, यहाँ पे आते हैं बुक मॉडल पे, राउट पे आते हैं पहले तो, ठीक है, और एक बार कंट्रोलर का समझ लेते हैं कंट्रोलर का वर्क क्या हो रहा है। अब जैसे वहां पे जो भी डेटा डाला था अपन ने बॉडी में पोस्टमैन के अंदर, वो डेटा सार का सारा इसके अंदर आ रहा है, फिर इसके अंदर आ रहा है, फिर बोल रहा है कि एक बुक मॉडल आपके अकॉर्डिंग आप डेटा ये क्रिएट कर दो आपके रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो रूल्स के अकॉर्डिंग डेटा क्रिएट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग फिर ये डेटा सेव डेटा में चले गया, और यहाँ पे मैसेज के अंदर क्या आ रहा है, सेव डेटा, जो भी डेटा अवेलेबल था वो डेटा आ जाएगा उसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड वर्क ये था अपना बुक्स का भी डेटा लेना। ठीक है, तो अब बुक्स का डेटा लेने के लिए क्या था कि बुक्स मॉडल, अब वो का वही है वेरिएबल तो, ठीक है, तो अब वो पूरा का पूरा इम्पोर्ट हुआ हुआ है, तो इसको एक फंक्शन है इसका फाइंड फंक्शन, तो इसको क्या है, ये डेटा लेने के लिए काम करता है, मतलब क्या वर्क करता है कि सारा का सारा डेटा डायरेक्टली उठा करके शो कर देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे शो करवा दिया इस वेरिएबल को यहाँ पे मैसेज में, अब यहाँ पे आते हैं अपन राउट में, अब यहाँ पे क्या करेगा ये कि राउट है यहाँ, ठीक है, आ गए यहाँ पे। अब सबसे पहले रीडिंग कैसे करता है ये, सबसे पहले इसको पाथ चाहिए ब्राउजर पे। ठीक है, ब्राउजर पे गए, यहाँ पे गए क्रिएट पोस्ट क्रिएट बुक वाले पाथ में गए, क्रिएट वाले बुक वाले पाथ में जाने के बाद क्या करेगा, सबसे पहले बुक कंट्रोलर के अंदर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बुक कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे गया है, इस जगह इसने वर्क देखा है, ठीक है, पूरी फाइल को एक्सेस कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या का देखेगा, ये क्रिएट बुक को देखेगा कि अपन को बुक क्रिएट करनी है, तो क्रिएट बुक के मेथड में जाएगा, मतलब ये वाला क्या करेगा, यहाँ पे जाते ही इसके पास सारी फाइल का एक्सेस आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर ये वाला क्रिएट बुक आएगा, तो यहाँ पे क्रिएट बुक देख लेते हैं कंट्रोलर के अंदर क्रिएट बुक, अब इसके अंदर यहाँ पे सारा मेथड एक्सेस कर लेगा कि अपन को इसको पता पड़ गया कि क्या क्या वर्क करना है, तो इस अकॉर्डिंग ये वर्क कर लेगा। तो अब यहाँ पे आते हैं अपन राउट रूट जेएस के अंदर, तो अब वैसे ये बुक का डेटा गेट कर रहा है, तो अब गेट बुक डेटा करना है तो यहाँ पे लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं, बुक कंट्रोलर में जाएगा और जो सेकंड वाला जो गेट बुक्स डेटा है उसको एक्सेस कर लेगा। अब ये कहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, ठीक है,
गेट बुक्स डेटा के अंदर, तो अब यहाँ पे इसको एक्सेस कर लेगा, यहाँ इस जगह ये सारा का सारा इसको पता पड़ जाएगा फाइन फंक्शन को यूज करना। तो यहाँ पे इसका अकॉर्डिंग वर्क करेगा ये। तो अब यहाँ पे हैं, इसके अंदर जाते हैं, पोस्टमैन पे चलाते हैं आप, कैसे क्या वर्क करा रहे हैं। अब इसको क्या यहाँ पे गेट लेना पड़ेगा क्योंकि वहां पे गेट है, एक्स गेट, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हटा देते हैं, देन इसको पेस्ट कर देते हैं। तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं इसके अंदर कि पूरा पूरा डेटा आ जाएगा यहाँ पे जो भी अपन ने एंटर कराया है। फर्स्ट में रामायण कराया था, यूएन लिखा था, इंग्लिश लिखा था, तो ये आ गया। अब यहाँ पे क्या सेकंड में महाभारत लिखा था, ये आ गया, महालिखा, तो ये आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन चेक कर लेते हैं डेटाबेस के अंदर भी गया नहीं गया है। वहाँ पे यहाँ पे जाना है और यहाँ लोकल पे जाते हैं, टेस्ट में जाते हैं, क्लस्टर मैनेजर कहीं ना कहीं तो हो गई यहाँ पे, तो एक बार चेक करते रहते हैं हर जगह। यहाँ पे रिफ्रेश करा तो यहाँ पे डेटा आ गया। यहाँ पे एक रिफ्रेश रिक्वायर्ड था क्योंकि अब हमने स्टार्टिंग में इसको हटा दिया था, तो यहाँ पे जाने में आया, तो फिर यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं, इसके अंदर डेटा कौन कौन सा है ये सारा डेटा बता दिया यहाँ पे, तो हमने एंटर कराया था। अब जैसे यूजर्स का भी ऐसे ही कराया था डेटा, तो टेस्ट के अंदर जाते हैं अपन। टेस्ट क्या है, वो कलेक्शन जो स्टार्टिंग में बना था। अब ये बुक्स वो ही नाम है जो स्टार्टिंग में अपन ने वहां रखा था फाइल्स के अंदर, यहाँ पे बता देता हूँ मैं। मॉडल क्रिएट करते वक्त रखा था ना यहाँ पे, यहाँ पे तो यूजर रखा है, यहाँ पे ये रहा बुक, ठीक है। तो ये डेटा पूरा आ गया यहाँ पे, इसी अकॉर्डिंग दो वर्क करने थे, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस इस अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो यहाँ पे एक बार चले जाते हैं, एक बार देख लेते हैं पूरी फाइल को ड्राई रन करके। तो हमें क्या चाहिए स्टार्टिंग में, एक राउट फाइल चाहिए, उसके पाथ डॉट डिक्लेयर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मेन बात है कि यहाँ पे ऊपर इस राउट फाइल के अंदर ये पूरा पाथ बताना पड़ेगा कि ये मॉड्यूल है, तो ये मॉडल यहाँ पे बताना पड़ेगा, बुक मॉडल, और ये इसका पूरा पार्ट डालना पड़ेगा, और बुक कंट्रोलर है उसका भी पार्ट डालना पड़ेगा। तो क्या ये एक्सेस कर पाएगा, नहीं तो पता ही नहीं पड़ पाएगा कि बुक कंट्रोलर है कहाँ पे। तो इस अकॉर्डिंग ये वर्क करता है, ठीक है। तो अपने को दो चीज की रिक्वायरमेंट है, एक बुक मॉडल फॉर स्ट्रक्चर एंड बुक कंट्रोलर फॉर क्या वर्क कराते हैं अपन उसके लिए, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पे